नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बहुत मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन की क्लास मैंने नहीं दी तो मुझे महसूस हुआ, विद्यार्थियों का तो बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सकारात्मक कमेंट आए कि सर आप ठीक हो जाइए, उसके बाद में आप क्लास दे देना। लेकिन मुझे एक दिन की भी वो रेगुलर जो डे होते हैं ना, उसमें क्लास मिस करता हूँ तो मैं एक अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है। और जो अपने जैसे संडे को छुट्टी रख देते हैं वो तो है ही कि भाई एक छुट्टी चाहिए, लेकिन आप सभी की दुआओं से अभी काफी फर्क महसूस कर रहा हूँ। और एक दिन का रेस्ट भी मेरे लिए काफी था, और अब ये एक दिन का रेस्ट जो है वो उम्मीद रहेगी कि आपके एग्जाम तक भी नॉन स्टॉप निरंतर चलेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतनी दुआएं की और इतनी इतने भाई बहनों का प्रेम मिल रहा है जिसकी कोई आशा नहीं की जा सकती। तो बहुत अच्छा लगा सोचकर, आदि तो आपके कमेंट और दुआएं पढ़ के ही तबीयत तरोताजा होगी। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं। अपन भारत के नक्शे से परिचय अपन ने कर लिया था, भौगोलिक और राजनीतिक दोनों नक्शों से, ठीक है। सामान्य परिचय भारत का अपन कर चुके थे, आज अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं। उससे पहले बता दूं, चाहे आप भारत का जीके यहाँ पढ़ रहे हो, इस एग्जाम के लिए सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे रीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वीडियो के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, अच्छा रीट वालों के लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण क्लास है जितनी सेकंड ग्रेड वालों के लिए। ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट के जो तीन चार टॉपिक है, जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति होगी, भौतिक प्रदेश हो गए, मानसून तंत्र वाला हो जाएगा, अपवाह तंत्र, ये यहां तक जो है मैंने आपको बताया 60 से 70% प्रश्न यहीं से बनाते हैं। विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि सामान्य प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, पहले गोता लगाने की करते हैं। आप सामान्य प्रश्न गलत करके आते हो, ये मैं कह रहा हूं आपको, और देखना हमेशा ज्यादातर करते हो आप। सामान्य प्रश्नों को पहले अच्छी तरीके से तैयार करो, उसके बाद में गहराई में जाओ, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। सामान्य याद नहीं है तो गहराई में जाने से क्या मतलब, ठीक है। तो जितना पहले बेस बनाओ एकदम से, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ले जाऊंगा, चिंता मत करना, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीजें वैसे सामान्य बताई थी पिछली क्लास में, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा, क्रमशः क्लास उसके अंदर मिलेगी, लेकिन थंबनेल पे नंबर आगे से आगे ही लगेगा, 138 139 ऐसे ही लगेंगे। हाँ, इसकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, एक समेकित प्लेलिस्ट अलग से, जिसमें एक नंबर से लगाकर सभी क्लास है, मिक्स है, और बाकी अलग अलग भी बना रखी, जैसे हिस्ट्री की अलग है वो अलग है, कोई डायरेक्ट ही क्लास देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलिए, भारत माता की जय, भारत को शुरू करते हैं अपन पढ़ना। और वैसे भारत की ये क्लासेस मैंने जब आपकी रीट की परीक्षा हुई उससे पहले दी थी, शॉर्ट में दी थी, इस बार नोट्स मेकिंग पैटर्न पे डिटेल में दे रहा हूँ, ठीक है। भारत को पहले जम्बूद्वीप, नाम के बारे में अपन ने बात की, सप्त सिंधु उपनिवेश, क्योंकि सात नदियों के समूह के कारण जम्बूद्वीप, बहुत सारे आर्यव्रत वगैरह नामों से जाना गया है। तो नामों की बात करें तो प्रश्न कहाँ से बनता है, भारत को भारत नाम आर्यों ने दिया, किस लिए दिया, क्योंकि आर्य राजा भरत के नाम पर, आर्य राजा भरत के नाम पर भारत नाम दिया गया, ठीक है। हिंदुस्तान नाम की बात करें तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया, आपको पता हो तो, नहीं भी पता हो तो बता दूं, ईरानी जो है भाषा का देखो प्रभाव चेंज होती है भाषाएं, ठीक है। तो वहां स को ह बोलते थे तो सिंधु को हिंदू बोलने लग गए, और हिंदस ऐसे करके, और हिंदू नदी, और इसके पार रहते वो हिंदुस्तान, तो इस तरीके से हिंदू नाम दे दिया। इंडिया यूनानियों ने दिया, इंडस नदी कहते थे ये, सिंधु के इस तरफ वाला कोई ये इन्होंने माना है। अब देखो, मेरा जो हमेशा कंफ्यूजन रहता था ना, वो ये रहता था कि मैं कैसे याद रखूं कि ईरानियों ने हिंदुस्तान दिया है और यूनानियों ने इंडिया दिया है। मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आपको याद रहेगा, आप जब जब पढ़ोगे तब तक याद रहेगा, किताब बंद की और वापस कंफ्यूजन शुरू, कैसे याद रखूं, इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका यूनानियों का यह पकड़ा और इंडिया का यह पकड़ा, ठीक है, पीछे वाला, इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला पकड़ा, कि ये जहां पे खत्म होगा वहां से इसको कहने वाले का शुरू होगा, ठीक है, ये जहां पे खत्म होगा, समझना इस बात को, बस एक बार में क्लियर हो जाएगा मामला। ये इंडिया का नाम जहां खत्म होगा, यानी कि ये पे खत्म होगा, यहीं से इसको कहने वाले का नाम शुरू होगा, तो यूनानियों ने इसको इंडिया नाम दिया, ठीक है। तो फिर हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया, यहां पर कहीं समस्या आती नहीं है, ये हो गया एक डाउट क्लियर। आज की क्लास में बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी और याद होगी हाथों हाथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक्स बता दी जाएगी और वो याद नहीं होगी, याद होगी, और आज की क्लास में बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इन चीजों में होता है, तो जरूरी भी है। और संविधान में जो नाम है इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, संविधान
संविधान में पूछे तो हमेशा याद रखना कि इंडिया, दो नाम मिलते हैं इंडिया और भारत के, इंडिया है वही भारत है, इंडिया दैट इज भारत, ये नाम मिलते हैं। और ये नक्शे से अपन परिचय अपन ने कर ही लिया था, नक्शे से पूरी तरीके से परिचय कर लिया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नक्शा इसलिए शामिल किया कि आपके पास में जब स्लाइड आएगी ना तो आपके पास में ये साथ में आ जाएगा, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं, चलिए देखो भारत की यदि आकृति देखा देखी जाए तो चतुष्कोणीय है, इसकी भी राजस्थान के जैसी, वैसे वैसे ही लंबाई देखोगे तो ज्यादा है लेकिन चतुष्कोणीय है फिर भी, तो एक तरीके से पतंगाकार इसको आप कह सकते हो, या तो चतुष्कोणीय कह सकते हो या फिर आप पतंगाकार भी कह सकते हो इसको, ठीक है। और स्ट्रैबो ने कही थी ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कुल क्षेत्रफल 32,83,263 डिजिट में बांट के ही याद रखना है, अगर लाख करोड़ ऐसे करने लग जाओगे याद नहीं होगी, ठीक है ना। 32,83,263 ऐसे ही याद रखना है, याद रखने का तरीका यही है। 34,22,39 कैसे याद रखी राजस्थान की, वैसे ही इसकी 32,87,263 इसी तरीके से याद रहेगी और तरीका यही है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, यदि एकदम एक्यूरेट देखा जाए तो 2.42% भी आ सकता है, लेकिन 2.4% के इर्द गिर्द में फोर, ऐसा नहीं पूछेंगे कि 2.41, 2.42, 2.43 ऐसा नहीं पूछेंगे, 2.4 आएगा या फिर आएगा 2.0 या ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यानी बिल्कुल एकदम वो एक्यूरेट वाला नहीं पूछेंगे आपको, तो ये ध्यान रखें 2.4 विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। कॉन्स्टेबल वाले एग्जाम में काफी सारे प्रश्न निकले, मुझे तो पता नहीं था, मैंने पेपर देखा नहीं, स्मृति के आधार पे जो कुछ कोचिंग संस्थानों ने और विद्यार्थियों ने डाले देखा तो काफी सारे बने, और बनेंगे वैसे, अपने जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं देखो दिल से पढ़ रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं तो प्रश्न बनने हैं, बस आप लोग ये करना है, मैं तो देखो मेरा काम कर रहा हूँ, आपको ये करना है कि आप याद कितना रख पाते हो और आप कितना समय देते हो। और ये मान के चलो कि प्रश्न आपको सारे के सारे मैं दिखा दूंगा, सारे सब नजरों के बाहर निकल जाएंगे, अब आप उसमें से याद कितना रखते हो और कितना आप एग्जाम में दे पाते हो वो है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा महल होगा उसी के अंदर राजपाट होगा, छोटी सी झोपड़ी में भी संतुष्टि देखी जा सकती है, और अपना प्लेटफॉर्म वही छोटी सी झोपड़ी है जिसमें से आपके प्रश्न खूब सारे आने वाले। वो तो देखो पिछले जितने भी एग्जाम हुए आप जो जो क्लास है, क्योंकि मैं सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, मैं ओवरऑल जैसे पूरा राजस्थान नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ, ताकि कम से कम एक भर्ती वाले तो फोकस होकर बिल्कुल तैयारी कर सके, दूसरी भर्ती वाले ऑटोमेटिक कर लेते हैं, जिनके सिलेबस मैच होता है वो तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, ये पूछा जाता है भैया प्रश्न, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। और देखो मतलब इसका कोइंसिडेंट कह सकते हो आप, अक्षांशीय और देशांतरीय, देशांतरीय जो अंतर है वो दोनों दोनों लगभग 29 डिग्री के। कैसे, अक्षांशीय अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट, सेकंड नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी इसमें नहीं है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही है। तो यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो पीछे बचेगा आपके, घटाकर देख लेना भले, 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर बचेगा। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ध्यान देना, देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही चलेगा, पूर्वी से पश्चिमी मत कर देना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इसमें से इसको घटाओगे तब तो वापस निकल के आपके आएगा 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर, यानी कि दोनों का लगभग मिलाकर देखोगे अंतर, तो दोनों का अंतर लगभग 29 डिग्री है, ठीक है, लगभग में जाओगे तो 29 डिग्री है। 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ये चारों आंकड़े आपको याद करने हैं, और उत्तरी से उत्तरी है, पूर्वी से पूर्वी है, ठीक है। ये स्थिति भारत की है और ये याद करना है, भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। क्यों, कैसे पता चला, कि कर्क रेखा गुजरती है बीच में से, मकर नहीं गुजरती है, विषुवत नहीं गुजरती है, ठीक है ना, विषुवत से तो 876 किलोमीटर दूर है अपना दक्षिणतम बिंदु भी, तो विषुवत नहीं गुजरती है, तो पूरी तरीके से अपने कहां है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने जरूरी है ये आंकड़े, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लड़के बहुत गलती करते हैं। 8 4 से 37 6 68 7 से 97 25 25, ठीक है, क्या है देखो, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से, वैसे इसको सीधा याद करना चाहिए, ठीक है, इसको सीधा याद करोगे जितना उतना बढ़िया होगा, 8 4 से 37 6 इस तरीके से ही याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, और अच्छी तरीके से ज्यादा याद रहने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु की, सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे इंदिरा कौल नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर के गिलगित जिले में है,
गिलगित में, ठीक है। ये इंदिरा कॉल जो सबसे ऊपर वाला है वो गिलगित में है, दक्षिण, देखो इंदिरा से इंदिरा, दक्षिण वाला जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अब क्योंकि दो एक जैसे नाम आने पर विद्यार्थियों का कंफ्यूज होना लाजमी है। साथियों कैसे अंतर करें, ये जो है पीओ के क्षेत्र में है, ठीक है। ये कहां है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, पीओके में, ठीक है। अब पीओके में आपको पता है पीओके क्षेत्र जो है विवादित रहा है, आतंकवादियों के हमले हुए हैं, देखो डायरेक्ट राजस्थान पे या दिल्ली पे तो हुए नहीं, वहीं से हुए हैं। वहां पे हमारी सेना भी पावरफुल होती है, सैनिक जो फौजी भाई होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, वो आतंकवादियों का काल बन के उनका सामना करते हैं। कैसे सामना करते हैं, आतंकवादियों का काल बन के सामना करते हैं, आतंकवादियों का काल बन के सामना करते हैं। बस आप समझ गए, अब जो मैं कहना चाहता था वो समझ गए आप। इंदिरा कॉल या इंदिरा काल के नाम से ध्यान रखना, कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। काल बन के आतंकवादियों का सामना करते हैं, इंदिरा कॉल ऊपर है तो पॉइंट नीचे, फिर आपके कहीं कोई समस्या नहीं होगी। यदि ये पश्चिमी बिंदु देखोगे तो गुहार मोती जो कच्छ गुजरात के अंदर है अपने यहाँ पे, और ये किबीतू वालांगू भी कह सकते हो जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और अरुणाचल प्रदेश पहले नेपा के नाम से जाना जाता था, NEFA, नेपा, ठीक है। तो ये पूर्वी जो है किबीतू, यहाँ पे गुहार मोती, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में वर्तमान जो है ये सुनामी के अंदर डूब कर तहस नहस हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी और उत्तर से दक्षिण की दूरी को याद करते हैं, पता आपको सब है, मैं कोई नौ की तेरह नहीं कर रहा हूं या कुछ नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं याद करवा रहा हूं आपको, ये जरूर है। देखो अब यदि देखा जाए कि उत्तर से दक्षिण की दूरी देखनी है, ठीक है, डायरेक्ट याद मत करना, डायरेक्ट याद मत करना। कोई भी प्रतियोगिता होती है तो पहले तीन जो स्थान होते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है, कितने स्थानों की, तीन स्थानों की बहुत अहमियत होती है। तो उत्तर से दक्षिण दूरी की बात करें तो 3, 2, 1, और जब 1 पे खत्म हो गए, 0 लेना नहीं अपन को, 3 से आगे वाला ले लेते 4, ठीक है, 3, 2, 1, 4, ये कौन सी है, उत्तर से दक्षिण, ये देखो ये वाली, ठीक है, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, इस तरीके से याद रखना है। सुमेरपुर के, आपको पता है मैं सुमेरपुर से क्लासेस लेता हूं, मैं सुमेरपुर का रहने वाला हूं, पैतृक गांव गाने राव है, लेकिन सुमेरपुर में ही रहते हैं, घर सुमेरपुर में। सुमेरपुर के आपको पता है, ज्यादातर को पता नहीं है क्योंकि अब मोबाइल नंबर याद रखते हैं, एसटीडी कोड पता नहीं है, एसटीडी कोड सुमेरपुर के हैं 02933। ये जो सुमेरपुर और आसपास वाले क्षेत्र हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, और जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था तो इस ट्रिक से इतने खुश हो गए सब कि वास्तव में उनके आज दिन तक छपा हुआ है दिमाग के अंदर कि सर ये कभी नहीं पूछ सकते। तो सुमेरपुर के एसटीडी कोड है 02933, देखो सेम आंकड़ा 2933, ठीक है। ये आ गई आपके पश्चिम से पूर्व की दूरी, ठीक है, ये बीच में इनके दूरी रही है, ठीक है साथियों। तो ये इतना मैं मेरे हिसाब से समझ रहा हूं कि आपको याद हो गए हैं, क्या पढ़ा इस स्लाइड के अंदर, आकृति चतुष्कोणीय, 3287, 263, 2.4, जनसंख्या यदि देखी जाए 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है, और 8, 4 से 37, 6, 68, 7 से 97, 25 तक इसका पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध में है। इंदिरा काल बन के फौजी सामना करते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, किबीतू वालांगू, अरुणाचल प्रदेश, ये याद किया है, 3, 2, 1, 4 और 02933, कहीं कोई समस्या कोनी गुरु जी, ठीक चा चल जी आगे। चलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु बिंदु जो है साथियों इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। मैं आपको बताऊं स्पष्ट सीधी सीधी शट बात, भारत का जो भूगोल है, लगभग देश का कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है, ठीक है, कई आयोगों द्वारा 6 डिग्री 30 मिनट प्रश्न ये देकर, प्रश्न का ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव उत्तर उसमें देकर माना है, और कई एग्जामों में 6 डिग्री 45 मिनट भी माना है, ठीक है। तो जो भी आपको उत्तर वहां पे दिखे उस हिसाब से 6 डिग्री 30 मिनट भी, 6 डिग्री 45 भी, 6 डिग्री 30 ज्यादा बार पूछा गया और ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, क्लियर, ध्यान रखना। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है साथियों, ये इंदिरा पॉइंट, इसके बहुत सारे नाम है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट,
लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, चार नामों से जाना जाता है, चारों आपको याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले तो नाम इंदिरा पॉइंट का याद करें तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। ठीक है, लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, कैसे भी याद कर लो, ये चार नाम आपको याद करने ही है, ये इसी के नाम है। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंदर इसकी स्थिति है। भारत की दूर का दक्षिणी भाग, अब यदि भारत की दूर का दक्षिणी भाग की यदि बात करें तो ये जो भारत का नक्शा है यहाँ पे ये जो स्थान आएगा ना वो चीज इसके अंदर आ जाएगी, तो वो कौन सी है? कुमारी अंतरिप या कैप कैमोरी, कैप कुमारी। ठीक है, कैप कैमोरी, कैप यानी कि वो जो क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा वो चीज आ जाएगी और उसके अंदर आ जाएगा आपके कैप कैमोरी या कुमारी अंतरिप जो कन्याकुमारी के अंदर है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये ऐसे माना जाता है भूमि दूर का। देखो भूमि दूर का दक्षिणतम बिंदु ये जो है ना इंदिरा पॉइंट, ये द्वीपीय है, अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है, तो ये द्वीपीय बिंदु है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीजें अंतर करनी अपन को बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूज होता है विद्यार्थी। ठीक है, वर्तमान भारत भी आ जाते हैं, वर्तमान भारत की कुछ स्थितियां देखते हैं कि यदि क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263, विश्व के क्षेत्रफल का 2.5%, जनसंख्या का 17.5%। इसलिए वापस लिखा है क्योंकि नोट मेकिंग पैटर्न में आपके एकदम से रैपिड रिवीजन के स्तर शामिल हो जाए। यदि कुल स्थलीय सीमा देखी जाए साथियों तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है, यदि एकदम एक्यूरेट देखोगे तो 15,107 इस तरीके की है, लेकिन 15,200 कई बार पूछा है, 15,200 ही मानते हैं। ठीक है, कुल तटीय सीमा यदि देखोगे 6100 किलोमीटर है, लेकिन तटीय सीमा यदि देखोगे भारत की जो आपको नक्शा दिखता है वो द्वीपों के साथ में नहीं, छोटे छोटे जो द्वीप है उनके साथ में नहीं, द्वीपीय सीमा मिलकर अलग हो जाती है, द्वीपों के साथ में यदि देखोगे तो 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ द्वीपीय पूछी जाएगी तो 7,516 में से 6100 को घटाना है तब आपके आ जाएगी सिर्फ द्वीपीय सीमा जो 1,416.5 किलोमीटर है। तीन तरह की, एक आ गई तटीय सीमा 6100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ भारत की देखी जाए, द्वीपों सहित देखोगे तो 7,516.6 और नहीं तो ये अपने आ जाएगी 1,416.6 कर देना इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं कुल सीमा पे, कुल सीमा की बात कहते आपके द्वीपीय सीमा भी मिल जाएगी और स्थलीय सीमा भी मिल जाएगी तब होगी आपके कुल सीमा। ठीक है, अब देखो 15,200 प्लस 7,516 क्यों, द्वीपीय भी मिल गई और तटीय भी मिल गई सारी, तब जाकर आपके जो आंकड़ा आता है वो आता है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुल सीमा पूछते हैं तो ये प्रश्न है ना घुमा के, इसीलिए टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अभ्यास इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हर तरीके से एक एक, मैं तो कहता हूं एक एक शब्द कहीं का कहीं से ऐसे लिखा होता है उसका भी महत्व है, वहां भी यदि सही से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा उत्तर गलत है और यदि बिल्कुल दिमाग में बिठा कर पढ़ोगे तो लगेगा कि वास्तव में प्रश्न तबीयत का है। ठीक है, तो ये चीज है 15,200 प्लस 7,000, अब एक एक चीज मैंने आपको अलग अलग करके बताई है ना, सिर्फ स्थलीय सीमा पूछते हैं 15,200 किलोमीटर, सिर्फ तटीय सीमा पूछते हैं 6100 किलोमीटर, द्वीपों के साथ में तटीय सीमा पूछते हैं 7,516 किलोमीटर, सिर्फ द्वीपों की सीमा तटीय सीमा पूछते हैं 1,416 किलोमीटर, सभी को मिलाकर पूरी कुल सीमा पूछी जाती है तो 22,716.6 किलोमीटर। याद रखना वहां पर काम है। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु की विषुवत रेखा से दूरी अभी भी बताई थी मैंने आपको 876 किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा जो बनाता है वो गुजरात बनाता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश बनाता है, गुजरात लगभग 1200 किलोमीटर के समथिंग बनाता है। अब ये चीजें जब अपने नक्शे से परिचय किया था ना उस समय भी आपको मैंने बताई थी। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा हो जाता है वो बात अलग है क्योंकि बड़ा टॉपिक और याद रखना बहुत जरूरी क्योंकि यहां से प्रश्न पहला टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं और बनते हैं तब नंबर देके जाते हैं, ये बात है। यहां से यदि आप गलत करते हो तो समझ के चलो कि आप बैकफुट पे आओगे क्योंकि इस पे सभी मेहनत करते हैं। ठीक है, कई कोचिंगों में डेमो ही नहीं टॉपिक से दिया जाता है क्योंकि एक बार जैसे कमांड हो गई मतलब इंप्रेस, यदि कहीं इंप्रेशन जमाना है ना तो ये टॉपिक ऐसे भौगोलिक सीमाओं वाले और ऐसे टॉपिक पढ़ के बेटा मास्टर मजाक गना ले। ठीक है, उनमें मैं भी शामिल हूं, मतलब जब जब ऑफलाइन में डेमो दिया है राजस्थान की परिचय राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं ये, हालांकि मैं मिक्स डेमो देता था कभी भी पूरा पॉलिटिकल वॉलिटिकल सभी का मिक्स देता था क्योंकि अपने ट्रिक बहुत याद रहती थी बता देते थे। ठीक है,
तो लेकिन ये टॉपिक जो है वास्तव में इनको याद करना एक बढ़िया, एक मतलब यूं मुश्किल से याद होता है, लेकिन एक बार याद हो गए तो फिर वो स्थायी स्मृति में चले जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है। आप भी कहीं कोचिंग में पढ़ाने लगो, डेमो देने की आवश्यकता पड़े, याद रखना बात, लड़के बड़े इंप्रेस होते हैं इन टॉपिकों से। ठीक है, वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्यों है वो आपको परिचय वाले वीडियो में बता दिया था, कैसे 8 हुए, कैसे 9 थे, कैसे 29 थे, 29 से 28 कैसे हुए, सब सब कुछ बता दिया था। ठीक है, नहीं देखा है तो मैप का जो परिचय करवाया है उसको देख लेना पहले वापस। ठीक है, अब देखो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। गौर फरमाना, एक लड़के ने कमेंट किया, सर आपने 7 देशों से सीमा बताई, पड़ोसी देश 7 बताया, जबकि 8, कोई कोचिंग वाला 8 बता रहा है, श्रीलंका भी शामिल है। भाई है बिल्कुल, मैंने कब मना किया श्रीलंका शामिल नहीं है, लेकिन श्रीलंका समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है ना, स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 7 है, समुद्री सीमा में आप 8 भी ले सकते हो, लेकिन समुद्री सीमा में और भी देश बनाते हैं। ठीक है ना, तो फिक्स 8 भी यदि व्यवस्थित रूप से देखोगे तो फिक्स 8 भी नहीं माने जाएंगे यदि पड़ोसी देश की बात कर रहे हो तो। ठीक है ना, सिर्फ सीमा की बात करते हो तो जलीय सीमा के अंदर, क्योंकि सबसे करीबी जो है श्रीलंका ही है, तो श्रीलंका को मान सकते हो। प्रश्न की प्रकृति और ऑप्शन जो आते हैं उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है साथियों, चलिए ये इसे मैं सार्वभौमिक ट्रिक कहता हूं। सार्वभौमिक ट्रिक क्यों कहता हूं, क्योंकि सभी शिक्षक इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। ये किसने बनाई पता ही नहीं है, जब से आई है सभी ने उपयोग किया, और बेस्ट ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, स्थलीय सीमा होगी। ठीक है, बचपन में एमबीए किया, बहुत बढ़िया है और एकदम सटीक बैठती है, तो यहां से आ जाएगा बस ये बांग्लादेश, कहीं मैं गलत हूं तो बता देना आप। ठीक है, बांग्लादेश यहां से आएगा, आपने जनसंख्या में नंबर 1 चीन, यहां से आएगा अपना चीर प्रतिद्वंदी पाक, यहां से आएगा आपने हिमालय का वरदपुत्र नेपाल। ठीक है, यहां से क्या आएगा, मोरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, यहां से आएगा आपके भूटान, और यहां से आएगा अफगानिस्तान। ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों से सीमा बनती है। ठीक है साथियों, तो ये भी अच्छी तरीके से स्थायी स्मृति के अंदर डाल देना, बचपन में एमबीए किया, हालांकि मैंने भी 1 साल एमबीए किया हुआ है, 1 साल ही किया तो छोड़ दी, दा नहीं आई, तो मास्टर बनो। ठीक है ना, भारत के 20 राज्य स्थलबंध, अच्छा स्थलबंध किसे कहते हैं, देखो जैसे ये भारत है, अब यहां पे ये लगेगी कैसे, जलीय सीमा लगेगी। ठीक है ना, ये जलीय सीमा लगेगी, अब किसी की जलीय सीमा नहीं लग रही है, सिर्फ अंदर अंदर ही रह रहा है वो राज्य, तो वो है स्थलबंध, लैंड लॉक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के जो अपने 20 राज्य है वो तो है लैंड लॉक। ठीक है, भारत के 20 राज्य तो लैंड लॉक है, और 5 राज्य जो है उसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है, न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, और न समुद्री सीमा बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, जब कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा देते हैं ना तो स्टूडेंट को मजा आता है, या कोई कोई ऐसा पॉइंट मार देते हैं जहां पे मतलब वाह वाह हो जाते हैं, गुरुजी छा गए, तो हम छा जाते हैं, जहां भी जाते हैं हम छा जाते हैं। ठीक है, हम छा जाते हैं, अब देखो हम छा जाते हैं वो अपन अलग करते हैं। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, फिर देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5 जो है अपने जो राज्य, वो किसी भी न तो देश से सीमा बनाते हैं, और न कोई किसी तरह की इनकी समुद्री सीमा बनती है, तो ये सभी एक तरीके से अलग आप कह सकते हो कि ये बाकी में जैसे लैंडलॉक है ना, तो ये जरूरी नहीं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर आ गए तो इसमें क्यों आए, ऐसा नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना लेते हैं,
लेकिन ये कोई भी तरह की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते और समुद्री सीमा भी नहीं बनाते, ऐसे पांच राज्य है। ठीक है, अब देखो भारत से जलीय सीमा बनाने वाले देशों की देश कौन कौन से, अब क्योंकि सिर्फ श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका भी है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सभी भारत से अपने भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी यदि सबसे करीबी पूछा जाए तो श्रीलंका है, लेकिन ये सभी जो है अपने सीमाएं बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे भारत के भौगोलिक प्रदेश की अगली स्लाइड पर। अब आ जाते हैं आपके बढ़िया प्रश्न बनेंगे। अब देखो, अब यहां से अब बांग्लादेश से सीमा, बांग्लादेश से जो सीमा है वो जीरो लाइन कहलाती है वैसे। ठीक है, भारत की जो पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा यदि कोई सीमा बनाता है तो वो बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा कितनी सीमा बनाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश बनाएगा आपके 4096.7 किलोमीटर, सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है। किस नाम से और जाना जाता है इसको, जीरो लाइन के नाम से, जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, आप मेरे मित्र हैं, पाकिस्तान से जब अलग करवाया इसको 1972 की बात है, तो यानी कि मित्र है तभी तो अलग करवाया, तो बांग्लादेश आप मेरे मित्र हैं, कितनी आसान। बिल्कुल, कई जना कह दे जिन्हें मतलब बढ़िया नहीं लगे वो कह दे गुरु ए गुरु जी कह दे कि बढ़ाया ट्रिक व्रिक बता दे, भैया याद हो जाएंगे, सीधी सी बात है, और याद नहीं हो तो दूसरा भी ट्रिक के साथ में जो मैटर है वो तो मिल ही रहा है, नहीं याद हो ट्रिक को इग्नोर करो, परंपरागत याद करो, वो की वो बात है। ठीक है, डर्रे पे चलना है तो डर्रे पे चलो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप मेरे मित्र हैं इसलिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है ना, याद रखना आप मेरे मित्र हैं। अब देखो असम ले लो यहां से, ठीक है असम, फिर ये यहां पे भी मैंने आपके लिए सुविधा के लिए दे रखे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय, मेघो का आलय, बादलों का घर, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम ये निकल गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से ही लगभग घिरा हुआ है, तो देखो कहीं कोई समस्या कहां होनी है आपको, आप मेरे मित्र हैं तो आपको समस्या कैसे हो सकती है ना, बांग्लादेश आप मेरे मित्र हैं, बस इतना सा याद रखना है साथियों, और आपके बांग्लादेश से मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बिना कंफ्यूजन के ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, बड़े आगे ये तो हो गई बांग्लादेश से सीमा, मैंने लगभग हर देश को सेपरेट लिया है, पूरी स्लाइड दी है उसको, ताकि आपके मैटर कंजेस्टेड नहीं हो। ठीक है, फिर आ जाता है चीन से सीमा, अब चीन से जो सीमा है साथियों 3488 नवीनतम जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर लगती है, और इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1914 के अंदर हुआ। ठीक है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, निर्धारण कब हुआ, 1914 के अंदर हुआ। अब हम उठे, ठीक है हम उठे तो सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले, पहले तो उठे उसके बाद में सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले। ठीक है, हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले, अब देखो हम, ठीक है हम यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है ये यहां पे भी है, उठे ये यहां से, ठीक है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मत ले लेना, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है फिर आ जाएगा आपके सीधा, सीधा से सी से सिक्किम, सी से सिक्किम, ठीक है फिर अरुण, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है इसके बाद में इसको छोड़ दो, और ये लद्दाख, ठीक है अरुणाचल प्रदेश हो गया, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए मैंने इसको अलग से यहां पे मेंशन किया है, ये आ जाएगा आपके लद्दाख, क्योंकि बाद में ये दो विखंडित हो गए ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग, उसके बाद में लद्दाख इससे सीमा बनाता है, तो लद्दाख को इसलिए अलग से लिखा है, तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो ये हो गया नंबर एक,
ये हो गया आपके नंबर दो, ये हो गया आपके नंबर तीन, ये हो गया नंबर चार, और ये लद्दाख नंबर पांच। हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले, हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले। बस पहले उठना पड़ेगा फिर तो जाओगे ना, उठे बिना कैसे जाओगे। तो हम उठे सीधा अरुण को लेकर लद्दाख चले, तो ये हो गई आपकी चीन से सीमा। ठीक है, इसके बाद में पड़ोसी देशों की ये पूछी जाती है कई बार। ठीक है, अज्ञात नापाक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा 33-23। ठीक है, 33-23, 3323 किलोमीटर, 33-23 ऐसे याद रखना, 3323 याद रखोगे मुश्किल से याद होगी, 33 और 23 10 कम, 33 से 10 कम 23। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा निर्धारण कब हुआ, अपने 1947 भारत आजाद हुआ था, याद तो है ना, भारत पाकिस्तान दोनों उसी समय तो आजाद हुए हैं, पाकिस्तान को हालांकि एक दिन पहले ही फ्री कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब इसको है ना दो तरीके से आप ट्रिक को लिख सकते हो, या तो पंगू राज लिख देना या फिर लपंगू, पाकिस्तान के लिए यही सब ज्यादा सही रहेगा, पंगुल राज या फिर लपंगू राज। ठीक है, लपंगू राज भी लिख सकते हो, लपंगू लिखोगे तो भी यहाँ पे आपकी ट्रिक बैठ जाएगी। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान से सीमा वाली। अब देखो प पंजाब यहां से गुजरात। ठीक है, यहां से लद्दाख, यहां से राजस्थान, और यहां से जम्मू कश्मीर। ठीक है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच, इस तरीके से ये पांचों के पांचों आपको याद हो जाएंगे जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेपाल से सीमा। नेपाल से सीमा बनती है साथियों 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल हालांकि बिहार यूपी में यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, भागना होता है ना, सीधा नेपाल जाते हैं, मैंने भी पिक्चरों में देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है वैसे। ठीक है ना, तो ये नेपाल जो है क्योंकि मैं बॉर्डर लगती है, देखो यहाँ पे अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर बिहार के खंड से, ठीक है, या उत्तरी बिहार कर लेना, कि उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, आपराधिक प्रवृत्ति करके सीधा, और बंगाल से फिर नेपाल भेज देना, कि उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। अब यहां पे देखो ये उत्तर, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, फिर आ गया बिहार, कहीं कोई समस्या नहीं, सीधा ही बिहार लेना है। ठीक, फिर आ गया आपके खंड, खंड यानी कि खंड किस में आता है, उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में आ जाता है। फिर ये सीधा, सीधा यानी कि आ जाएगा आपके सिक्किम, सीधा सीधा जहां भी लिखा है वहां सिक्किम लेना है आपको। ठीक है, सिक्किम, और बंगाल तो पता ही है आपको, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर बिहार से सीधा, उत्तर बिहार से, उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। ठीक है, उत्तर बिहार के खंड से सीधा बंगाल। तो ये आ गया देखो एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार और पांच, इस तरीके से आपके नेपाल और पाकिस्तान से सीमा निर्धारण भी अपन ने कर दी। इसके बाद में अपने दो और है, इनसे भी कर देते हैं। म्यांमार, म्यांमार से जो सीमा है साथियों वो आपके है 1643 किलोमीटर। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मम्मी अना। ठीक है, मम्मी अना, मम्मी अना, अब देखो मम्मी अना, म से आ जाएगा आपके मणिपुर, क्योंकि पूर्वोत्तर वाले राज्य आ जाएंगे अब यहां पे मणिपुर। ठीक है, मी से आ जाएगा आपके मिजोरम, मी से आ जाएगा मिजोरम, अ से आ जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम मत लेना, बस यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे आपको असम नहीं लेना है। ठीक है ना, म्यांमार से आपको अरुणाचल प्रदेश मिलता है, वैसे आप मैप से भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, तो यहाँ पे इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह असम नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये यहां से आ जाएगा नागालैंड। ठीक, क्योंकि मैंने असम के बारे में स्पेशल आपको कह दिया, तो ये आपको याद रहेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, 699 किलोमीटर की सीमा बनती है आपसी भूटान, आपसी भूटान, आपसी भूटान। ठीक है, अब देखो यहां पे अब आपके असम भी आएगा और अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, क्योंकि दो ये आ गए, यहां कोई समस्या नहीं है। तो असम, अरुणाचल
प्रदेश प से तो पश्चिम बंगाल ही आना, और कोई आएगा नहीं, पश्चिम बंगाल और यहां से सिक्किम। कहीं कोई समस्या आ गया? देखो एक दो ये आ गया, तीन और चार, तो इस तरीके से ये आ गया। अब एक अफगानिस्तान बचता है, और अफगानिस्तान से तो सिर्फ एक ही राज्य अपने यहां से केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ और सिर्फ लद्दाख सीमा बना रहा है वर्तमान में 106 किलोमीटर की, ठीक है। और ये रेखा डूरंड रेखा कहलाती है, जो आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा। इसका निर्धारण जो हुआ साथियों 1896 के अंदर इसका निर्धारण हुआ है। तो अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। तो ये आज साथियों आपने लगभग देखो भारत का बहुत सारा आज अपन ने काफी सारा मैटर पढ़ लिया है, जो आपको याद करने में लगभग एक दिन आराम से लग जाएगा, और रिवाइज करते रहना, रिवीजन करते रहना, तो आपकी स्थायी स्मृति में चला जाएगा। ऐसा टॉपिक है जो एक बार स्थायी स्मृति में चला गया और आपकी इसके ऊपर मतलब कमांड हो गई, तो आप कहीं भी जाकर पढ़ा लोगे तो आपकी मतलब विद्यार्थी आपके अच्छी तरीके से मान सम्मान करेंगे, और बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझ में आना भी जरूरी है, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे याद हो जाएगी। इसके लिए आपको साथियों नक्शा मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छी तरीके से नक्शे का अध्ययन करें, नक्शे को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया भी था, नक्शे वाली क्लास भी आप देखें, ठीक है। और आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना अपना बेशकीमती समय निकालकर कमेंट किए और दुआएं की मेरे लिए, वो बहुत अच्छा लगा। और शायद इसी वजह से जल्दी रिकवरी हो गई और आप लोगों के सामने वापस क्लास लेने की कंडीशन में आ गया हूँ। और अब जितनी मेरी कोशिश होगी, क्लासेस में अनियमितता नहीं आए कोशिश पूरी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखो परिस्थितियां कैसी रहती है कैसी नहीं, कोई पहले से अनुमान लगाया नहीं जा सकता, ठीक। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।